हेलो एवरीवन, मैं सुनीता चौधरी स्वागत करती हूँ अपने चैनल कृष्णा फैमिली ब्लॉग्स में आपका। कैसे हो आप सब? तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ सूजी का हलवा, तो उसी की तैयारी करनी शुरू कर दी थी मैंने। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है पहले, और उसके बाद सूजी डाल दी है। इसे अच्छे से भून लूँगी, और यहाँ पर सूजी मेरी भूनकर तैयार हो गई है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये पका हुआ पानी, चीनी और पानी मैंने रख दिया था पहले ही पकने के लिए। और ये सारी चीज़ एक कटोरी से नाप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हलवा बनता है। उसी कटोरी से मैंने सूजी नापी है, और उसी कटोरी से चीनी और पानी, सब चीज़ बराबर नाप के रखते हैं तो बहुत अच्छा हलवा बनता है। कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं होती। एक ही कटोरी मैंने सूजी ली थी, एक ही कटोरी चीनी, और उसके 3 गुना ले लिया था पानी। और देखिए हलवा बहुत अच्छा बनेगा इससे। तो देखिए यहाँ पर हलवा बनकर हो चुका है तैयार। बस थोड़ा सा ही और रखूँगी थोड़ी देर गैस पर, और ये बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। और इसमें थोड़ा सा गोला डाल दिया है मैंने, और कुछ नहीं है मेरे पास डालने के लिए, बस इस टाइम गोला ही है, तो बस यही डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा। और यहाँ पर हलवा और चाय हो चुकी है तैयार। आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए हमारे साथ नाश्ता। और देखिए अचानक से मौसम कितना ख़राब हो गया। सुबह से बिल्कुल ठीक मौसम था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, और अचानक से ही तेज़ हवाएं चलने लगी और कितना काला होकर बादल आ रहा है। और सुबह के 10 बजे ही आज रात हो गई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रात हो गई हो, सारे घर में एकदम अंधेरा हो गया है। कृष्णा कितना काम करता है, क्या कर रहा है इसमें? काली नमक कूट गया। काली नमक खत्म हो गई? हाँ। मैं कूट दूंगी इसमें, ना कूटने की। अगर मैं कूट दूंगा जब लाइट आ जाएगी मिक्स में पीस दूंगी। इसमें तो थोड़ी सी पिसेगी, थोड़ी थोड़ी छोटी तो है ये, थोड़ी थोड़ी ज्यादा पीस दूंगा। बस रख दिए दूसरे, मैं खुद कर लूंगी। और अब मैं लग गई थी अपना दोपहर का खाना बनाने के लिए। और आज दोपहर के खाने में मैं बहुत ही सिंपल चीज़ बना रही हूँ, और ये कृष्णा की पसंद है, उसी ने कहा है ये बनाने के लिए। आज बना रही हूँ काली दाल की खिचड़ी, और ऐसे मौसम में अच्छी भी लगती है काली दाल की खिचड़ी। और पीले चावल बहुत अच्छे लगते हैं, और बनाने में भी बहुत आसान है, मुझे भी ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो बस इसे धुलकर अच्छी तरह से पहले रखूँगी, और उसके बाद बनने के लिए कुकर में डाल दूँगी। और पानी गर्म हो चुका है, इसके बाद बस इसमें ये खिचड़ी डालनी है। और खिचड़ी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसे तो कोई भी बना लेता है। और थोड़ी सी बस इसके बाद इसमें मुझे नमक डालनी है। और कृष्णा भी जिद कर रहा था कि मम्मी आज मैं बनाऊंगा खिचड़ी, लेकिन मैंने ही नहीं बनाने दी उसे। उसे बहुत शौक है ऐसे ऐसे काम करने का, बहुत ज़्यादा हेल्प करा देता है वो मेरी। और बस इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने, और अच्छे से इसे मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगा कर रख दूंगी। और बस आधा घंटा भी नहीं लगेगा, वो खिचड़ी हो जाएगी तैयार। और देखते हैं कुकर खोलकर, हमारी खिचड़ी तैयार हो चुकी है, और बस अभी से थालियों में लगा लेते हैं। Thank you.
खाना खाने के बाद हम सो गए थे और आज इतनी अच्छी नींद आई है मुझे। 2 बजे सोए थे हम और अब 4 बजने वाले हैं, अभी उठे हैं। क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा, और बारिश के मौसम में नींद बहुत अच्छी आती है। और बस उसके बाद मैं चाय बनाकर लेके आई हूँ। चाय पीने के बाद ही आलस सा उतरता है, वरना आलस आया रहता है। और उसके बाद मुझे लगना है काम में, क्योंकि बारिश अभी बंद हुई है और बारिश के बाद बहुत गंदा गंदा सा हो गया है आंगन सारा। और यहाँ पर मैं लग गई थी बस सफाई करने के लिए। वाश बेसन साफ करूँगी पहले, क्योंकि इसमें मिट्टी मिट्टी सी हो रही है। पता नहीं बारिश में मिट्टी कहाँ से आती है, और सारे आंगन में भी ऐसा ही हो रहा है। और सुबह ऐसी बारिश पड़ी थी कि अंदर कमरों तक पानी चला गया था। अंदर भी मुझे सारे में पोछा लगाना पड़ा दोबारा से, और अब बाहर भी सारा साफ करना पड़ेगा। तो बारिश में बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया आज मेरा, साफ सफाई करने का। और सारे आंगन में एक बार वाइपर लगा दूंगी। वाइपर से ये पानी जल्दी सूख जाएगा, हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी। और चलिए अब अपनी वीडियो का यहीं पर कर लेते हैं एंड। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।